हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। शवासन की स्थिति में लेट जाएं और आपका पूरा शरीर जमीन पर बिछाई हुई योग मैट या तो चटाई पर सीधा रखें। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट जितना अंतर बनाए रखें। हाथ शरीर से 8 से 10 इंच दूर, हथेलियां आसमान की ओर, अंगुलियां आधी खुली आधी बंद और मस्तक मध्य में। जब आप अपने शरीर की ये स्थिति बना लें तो अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। अपने पूरे शरीर को विश्रांति की स्थिति में ले आएं। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान शरीर का बिल्कुल भी हलन चलन ना करें और पूरे अभ्यास के दौरान आंखों को बंद ही रहने दें। एक लंबी गहरी श्वास भीतर भरें और अनुभव करें कि आप शारीरिक एवं मानसिक थकान से मुक्त हो रहे हैं। हर एक विश्वास के साथ अपने शरीर को शिथिल होता हुआ अनुभव करें। याद रखिए, योग निद्रा के अभ्यास के दरमियान नींद आना, जबकि आना बहुत ही सामान्य है, परंतु आपको सोना नहीं है। पूरे अभ्यास के दौरान संपूर्ण रूप से जागरूक रहते हुए योग निद्रा का अभ्यास पूरा करना है। इसी कारण हेतु आपके मन ही मन दोहराएं कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं या जा रही हूं और मैं इस पूरे अभ्यास के दौरान सोऊंगा या सोंगी नहीं। ऐसा कहकर आप अपने मन को सजग एवं सतर्क रख पाएंगे। आपको पूरे अभ्यास के दौरान सजगता बनाए रखना है और मेरी आवाज को सुनना है। आपकी संपूर्ण चेतना को मेरे निर्देशों के साथ बनाए रखें और बताए हुए निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करते जाएं। यदि ये पूरी प्रक्रिया के दौरान मन में विचार आते हैं तो आने दीजिए, परंतु आप अपनी सजगता को भी बनाए रखें एवं शरीर को शिथिल रखें। अब आप अपनी पूरी चेतना को अपने शरीर में घुमाइए एवं अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से देखने का प्रयत्न कीजिए। पर याद रहे, आपका मन जागरूक स्थिति में है। अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहिए, अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहिए, अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहिए। शरीर के किसी भी भाग में कोई भी प्रकार का कड़ापन या तनाव तो नहीं है, उसके प्रति सजग हो जाएं। और यदि आपको लगे कि कड़ापन या तनाव है, आपका पूरा ध्यान शरीर के उस भाग पे लेके जाएं और मन ही मन शरीर के उस भाग को तनाव मुक्त बनाने की कोशिश करें, परंतु आपके शरीर को स्थिर रखें। अब आप आपका पूरा ध्यान बाहर से आने वाली विभिन्न आवाजों के प्रति ले जाएं और इन आवाजों के प्रति सजग रहिए। ये कौन सी आवाज है, कैसी आवाज है, कहां से आ रही है, इस सब प्रश्नों में उलझना नहीं है। केवल और केवल ध्वनि के प्रति सजग रहना है। अपनी चेतना को एक आवाज से दूसरी आवाजों के प्रति ले जाना है, परंतु याद रहे एक आवाज के साथ टिक मत जाइएगा। अपनी चेतना को एक आवाज से दूसरे आवाज की तरफ ले जाने की कोशिश करिएगा। अब आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी सजगता को अपने श्वास प्रश्वास पे केंद्रित कर दें। बंद आंखों के साथ श्वास प्रश्वास का अवलोकन करते जाएं। जब श्वास भरते हैं तो नासिका के अग्रभाग पर या नासिका के भीतर जो हल्की सी ठंडी का अनुभव हो रहा है, उसे पहचानने की कोशिश करें। और जब भी प्रश्वास करते हैं तो नाक के अग्रभाग पर जो हल्की सी गर्माहट की अनुभूति हो रही है, उसके प्रति सजग हो जाएं। आपके शरीर में से ही उत्पन्न होने वाली ये ठंडी और गर्मी के अनुभव के प्रति सजगता बनाए रखें। आपके श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहें। हर एक प्रश्वास के साथ शरीर को संपूर्ण रूप से शिथिल होता हुआ पाएं। अपने शरीर के प्रति एवं मेरे निर्देशों के प्रति अपनी सजगता को कायम रखें। याद रखें, आप जागरूक हैं, आप सतर्क हैं और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक संकल्प लेना है। आप जो भी संकल्प लेना चाहते हैं, वो संकल्प संक्षिप्त और सरल होना चाहिए और ये संकल्प बहुत ही स्पष्ट भाषा का भी होना चाहिए। ये संकल्प आपके स्वभाव के अनुसार हो, इसका भी ध्यान रखिए। योग निद्रा में लिया गया संकल्प कभी भी विफल नहीं जाता है। यदि आपने पहले कोई योग निद्रा में कोई संकल्प लिया है तो आप उसी संकल्प को दोहरा सकते हैं और नहीं तो आप नया संकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आपके पास संकल्प नहीं है तो आप मेरे दिए हुए संकल्प को या अपने चुने हुए संकल्प को 3 बार मानसिक तौर पे दोहरा सकते हैं। और संकल्प है, मेरा शारीरिक, मानसिक एवं भावनिक स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। याद रखिए, इस संकल्प को या आपने जिस संकल्प का चयन किया है उसे मन ही मन 3 बार दोहराएं। अभी हम अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाने की कोशिश करेंगे। आप आपका पूरा ध्यान मैं शरीर के जिस जिस भाग का नाम लेती हूँ वहां पे लेके जाने का प्रयत्न करेंगे। यदि मैं कहूँ दाहिने हाथ का अंगूठा, तो बंद आंखों के समक्ष आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को ले आएं और मानसिक रूप से दोहराएं दाहिने हाथ का अंगूठा और उस अंगूठे को संपूर्ण रूप से शिथिल कर दीजिए। ऐसे ही शरीर के सभी भागों के प्रति सजगता बनाते हुए चेतना को वहां ले जाएं और वह सभी भागों को एक के बाद एक धीरे धीरे शिथिल छोड़ दें। अब अपने दाहिने हाथ के प्रति सजग हो जाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, कमर का दाहिना भाग, दाहिनी जांघ, दाहिना घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दायां पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, शरीर का दाहिना भाग, शरीर का दाहिना भाग, शरीर का दाहिना भाग। अब अपने शरीर के बाएं हिस्से के प्रति सजग हो जाएं। अपने बाएं हाथ को मंद आंखों से देखें। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, कमर का बायां भाग, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बायां पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, शरीर का बायां भाग, शरीर का बायां भाग, शरीर का बायां भाग। अब आप अपनी चेतना को शरीर के पीछे के हिस्से में ले आएं। दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा, ब्रह्मरंध्र। अब अपनी चेतना को शरीर के आगे के हिस्से पे ले आएं। सिर का ऊपरी भाग, माथा, दाहिनी भ्रुकुटी, बाईं भ्रुकुटी, भ्रू मध्य, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना गाल, बायां गाल, नाक, दोनों नासिका, नासिकाग्र, ऊपरी होंठ, निचला होंठ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, नाभि, पेट, पूरा दाहिना पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दाहिना हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा पीछे का भाग, पूरा आगे का भाग, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब आप आपके पूरे शरीर को इस जमीन पर लेटा हुआ पाएं और अपने शरीर के प्रति सजग बने रहें। मानसिक रूप से शरीर को बिल्कुल स्थिर और शिथिल अनुभव करें। याद रखें, आप जागरूक हैं, आप सतर्क हैं और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। अबे आप आपके श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाएं। याद रहे, चल रही श्वसन प्रक्रिया में कोई भी प्रकार का बदलाव ना करें। स्वाभाविक रूप से इस समय जैसी भी श्वसन प्रक्रिया चल रही है उसे चलने दें। केवल मानसिक रूप से चल रही श्वास प्रश्वास का अवलोकन करते रहें। अब अपनी चेतना को अपने उदर भाग पे रखते हैं। श्वास प्रश्वास के साथ नाभि की जो हिलचाल हो रही है उसके प्रति सजग हो जाएं। श्वास लेते हैं तो हमारे पेट का प्रसरण हो रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट का संकुचन हो रहा है। इस प्रक्रिया को बंद आंखों से देखते रहें। हर एक श्वास के साथ पेट का प्रसरण और हर एक प्रश्वास के साथ पेट का आकुंचन, इस प्रक्रिया को बंद आंखों से देखते रहें। आपका पूरा ध्यान आपके श्वास और नाभि के तालमेल पर टिकाए रखें। आपका पूरा ध्यान आपके श्वास और नाभि के तालमेल पर टिकाए रखें। अब आपकी चेतना को आपके गले के हिस्से में लाएं और चल रही श्वसन प्रक्रिया को गले के हिस्से में अनुभव करें। अब आपने जो भी संकल्प इस अभ्यास के आरंभ के समय में लिया था उसे पुनः 3 बार मानसिक रूप से दोहराएं। पर याद रखें, इस संकल्प को पूरे विश्वास के साथ और भावना के साथ दोहराएं। धीरे धीरे अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाते जाएं। बाहर से आने वाली विभिन्न ध्वनियों के प्रति जागरूक हो जाएं। बाहर से आने वाली विभिन्न ध्वनियों के प्रति जागरूक हो जाएं। आपका ध्यान एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के ऊपर लेके जाएं। यदि आप जिस कक्ष में योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं वहां से आने वाली कोई आवाज, किसी के चलने की आवाज, किसी वाहन की आवाज, किसी पक्षी की आवाज, जो भी आवाज आप सुन सकते हैं उन सभी आवाजों के प्रति सजग होते जाएं। प्रारंभिक योग निद्रा यहाँ समाप्त होती है। धीरे से अपने पैरों का हलन चलन करें। हाथों की अंगुलियों का भी धीरे से हलन चलन करें। अपने मस्तक को बहुत ही धीरे से दाहिने और बाहिने घुमाएं। पूरे शरीर को धीरे से हिलाएं एक लंबी श्वास भरें और आपके पूरे शरीर का विस्तरण करें। मंद आंखों के साथ ही एक बाजू करवट ले लें और कुछ समय उसी स्थिति में रुके रहें। जब आपको लगे कि आप संपूर्ण रूप से जगे हुए हैं तो दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे बैठक स्थिति में आ जाएं। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसे लंबी गहरी श्वास भरें। शांति 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 हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।